अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्बास नईम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक मार्क। टेक मार्क में मैं नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह कि आपको पता है, मैंने आपको पहले ए टू जी फाइवर का एक कोर्स जो है वो सिखाया है, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप, और आपको उसकी समझ भी आई है और बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया है कि वो अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ ना कि सिर्फ पाकिस्तान में ही, इटली में भी एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि वो एक अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो इसलिए मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा और कुछ मैंने खुद भी सोचा कि एक अपवर्क जो है बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो फाइवर से अपर लेवल का है, यानी कि फाइवर के बाद अगर कोई प्लेटफॉर्म आता है तो वो एक जो है जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसकी है अपवर्क की। अपवर्क बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो ज़रा इसलिए आपको लेट सिखाया जा रहा है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल तरीका है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वो एक प्रोफेशनल जो है वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की। फाइवर भी आपको ज़रा बिगनर लेवल का है, इसलिए आपको पहले सिखा दिया गया, ठीक है। तो मेरी सबसे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। यही कोर्स अगर आप मार्केट में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे में मिल रहा है और वो बस बेचा जा रहा है, ये लें सिखाने के बाद चले कोई चीज़ काम आए ना आए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे रहा हूँ और आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ आप 110% अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और रियल टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले आपको फाइवर सिखाया क्योंकि वो बिगनर लेवल का था। तो अब मैं आपको चले जा रहा हूँ सिखाने अपवर्क। अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिस तरह फाइवर जो है वो आपकी 15 दिन के लिए पेमेंट होल्ड करता है, तो मैं जहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ ये आपकी पेमेंट होल्ड करता है 5 दिन के लिए। इसलिए बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है वो अपवर्क पे शिफ्ट हो जाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि अपवर्क जो है, एक तो ये आपकी जो डिडक्शन है ये कम करता है, दूसरी ये बात है ये 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देता है, जबकि जो फाइवर है वो 15 दिन रखता है। फाइवर बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म है और जो है अपवर्क है इसका अकाउंट अप्रूव करना आना भी मुश्किल है और ये एक प्रोफेशनल लेवल का है। इसलिए मैंने आपको पहले वो सिखाया, आपको एक गाइडलाइन दी कि फ्रीलांसिंग होता कैसे है, उसको किया कैसे जाता है। अब आपको लेके आ रहे हैं अपवर्क पे। आपने ए टू जी वीडियो देखनी है, इसमें एक टेक्निक है जिसकी वजह से आपका अकाउंट अप्रूव होगा ना नहीं होगा। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं कि उनका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ और मेरा अपना 1.5 साल नहीं हुआ था और उसके बाद मुझे यह टेक्निक आई तो मैंने अपना अकाउंट फ़ौरन जो है एक ही दिन में बना लिया था। तो चलते हैं, मैं साइनअप पर क्लिक करता हूँ। upwork.com मैंने ओपन किया है, साइनअप पर मैंने क्लिक किया है। स्ट्रेटजीज को आपने मुकम्मल जो है वो एक्सप्लोर करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और होप्स हो आपको अकाउंट जो है ये अप्रूव कर आगे मैं दिखाऊंगा। तो ये मैंने उस पर क्लिक किया साइनअप पे, वहाँ कह रहा है आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट या आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। आई एम अ फ्रीलांसर एंड लुकिंग फॉर अ वर्क पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो कुछ आपको टाइम लेगा और यहाँ फिर आपको एक बटन शो करवाएगा ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का आपको बटन शो करवाएगा जिस पर आपने क्लिक करना होगा कि हम प्रोसीड एज अ फ्रीलांसर के तौर पर आप काम करना चाह रहे हैं। मैं फिर आपसे जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको ये कहता चला जा रहा हूँ कि आप जो है ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने अब जो है नया एक ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जिस पे आपको बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिनमें फाइवर है, इसके बारे में मुख्तलिफ जो लेटेस्ट टिप्स आ रहे हैं 2022 में या इसकी लेटेस्ट पॉलिसीज आ रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अमेज़ॉन का भी मैं कोर्स एक लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क इस मैंने क्लिक किया और ये आ गया। तो ये आपका आ गया, ये आपने फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मैं आप जितना मर्ज़ी कर लें, चाहे आप अपने वैसे इंफॉर्मेशन दे लें, मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा, कंटिन्यू विद गूगल करके अपना ईमेल देके इसमें पर्सनल भी एक मैंने डेमो जो है वो डमी बनाया हुआ है, एक मेरे पास पड़ा था 4705, ये एक मैं एक जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास अवेलेबल था, ये यूज़ में नहीं था, मैंने कहा चला मैं आपको इस चीज़ इसमें सिखा देता हूँ कि मैंने अपना आईडी पासवर्ड इसमें लगा दिया है। ये पासवर्ड का कुछ एरर दे रहा था तो ये पासवर्ड जो है ना हो गया, लग गया। अच्छा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि फाइवर जो है वो बुरा नहीं है, फाइवर जो है वो बिगनर्स के लिए है, ठीक है, बिगनर्स के लिए। उसमें यह है कि वो थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ से चीज़ें सीखनी चाहिए। जब आप सीख लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी कंपनीज बैठी हैं अपवर्क पे, तो इसलिए आप यहाँ पे प्रोफेशनल होके सीख के आते हैं। वैसे आएंगे फिर मसला बनेगा क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका कुछ डिफरेंट है।
फाइवर्स में फ्रीलांसिंग के असूल तो सेम है, लेकिन वेबसाइट का जो अपना ओवरव्यू है, डिज़ाइन है, वो डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका ही और है कि अकाउंट कैसे लेना है। फाइवर जो है वो बड़ा एक उसकी पॉलिसी थोड़ा सा जो है वो नरम है, ये थोड़ा सा आपको अपवर्क जो है ये इसकी पॉलिसी भी दोनों तरफ से टाइट है, आपकी तरफ से भी और बायर की तरफ से भी। तो क्रिएट मैं अकाउंट करता हूँ और इसमें देखते हैं कि हमें वो आगे क्या ऑप्शन देता है और किस तरह लेके चलते हैं। इसमें एक दो तो चीज़ें हैं देखने वाली, बड़े गौर से आपने देखनी है, जब हम स्किल्स ऐड करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। वो कह रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, रीडायरेक्टिंग यू। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे एक नए वेब पेज पे ले जाएगा। फाइवर जो है वो आपको 20% डिडक्ट करता है, आप जितना बड़ा मर्जी ऑर्डर कर लें। इस पर जॉब्स भी ज़्यादा हैं और इस पर टैक्स भी कम है। आप $500 तक अपनी अर्निंग करते हैं तो आपको 20% टैक्स देना होता है। अगर आप $500 से $10,000 के दरमियान करते हैं तो फिर आपको 10% देना होता है। अगर $5,000 से आप अबव देते करते हैं फ्रीलांसिंग तो वहाँ पे आपको 5% टैक्स देना होता है, और ये 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट क्लियर कर देते हैं, जबकि फाइवर जो है 15 दिन देता है। मैंने बताया ये उससे ज़्यादा प्रोफेशनल है हर तरीके से, पॉलिसीज में भी ये टाइट है और वैसे भी ये हर तरीके से, हर लिहाज से अच्छा है, इनका नेटवर्क भी अच्छा है। इसमें एक दो ट्रिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपने वो देख लेनी है अच्छे तरीके से, आपको अकाउंट पता चल जाएगा कैसे बनाना है। हाय अब्बास, मेरा अपना वो ईमेल जो जिस नाम से बनाया हुआ था, तो इस तरह करके कह रहा है हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दें। आफ यू के क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू एवर फ्रीलांस्ड बिफोर? यस, आई फ्रीलांस्ड 5 ईयर्स, मैं कुछ सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, जहाँ भी कर रहा हूँ टू अर्न माई मेन इनकम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे वो पूछते हैं एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, मैं ये करूँगा आई हैड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल कर दूँगा। वो कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है आप वो करें, अपलोड योर रिज्यूमे कर सकते हैं या फिल आउट मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ आप फिल आउट करना है। आप कह रहा है किस तरह, मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ जो मेन है, आपने अपना अकाउंट जिस चीज़ का भी बनाना है, आपने राइटिंग करनी है, आपने डाटा एंट्री करनी है, आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, आपने जो भी काम करना है, लेकिन ट्रिक ये है आपने अकाउंट जो बनाना है सबसे पहले आपने मोबाइल डेवलपमेंट का बनाना है, मोबाइल का, आईफोन का, एंड्रॉयड का, ये सब आपने अपनी स्किल्स ऐड करके बनाना है। आपका अकाउंट फ़ौरन अप्रूव हो जाएगा, बाद में आप जब अप्रूव हो जाए उसको चेंज कर लें, इसमें कोई ऐसे वाली मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें यूँ होता है कि आप चले जाते हैं यहाँ पे और आप लिखते हैं मोबाइल एप्स डिवेलपर। ठीक है, तो आप यहाँ ऐड न्यू कर देते हैं। यहाँ पे वो कहता है ऐड एक्सपीरियंस, मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, मैं एक दफ़ा जनरल अकाउंट जो है ना उसको बनाते हैं तो फिर हम ले कर चलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें मैं यूँ करूँगा ऐड योर एजुकेशन भी नहीं मैं कर रहा अभी। मैं अभी आपको सिंपल जो है वो एक मतलब कि आपके मेन प्रोफाइल पे लेके जा रहा हूँ। ये हम सारा इसको जो पेंडिंग रख के इस नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा आपको 100% जो है ना वो इसमें आपको मेन टेक्निक बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये सारा डाटा किस तरह फिल आउट करना है, इंग्लिश का लेवल क्या है, ये आपने हमेशा अपने एक्सपर्ट ही रखना है, एक्सपर्ट रख लें या वो दूसरा होता है फ्लुएंट, ये रख लें। यह हम कह रहे हैं अपने स्किल्स ऐड करें। स्किल्स आपने, मैंने आपको बताया पहले भी, हमेशा मोबाइल में ही चलना है। गेम डेवलपमेंट, गेम मोबाइल गेम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट एक टेक्निक लैंग्वेज है जिसमें आप आईफोन की एप्लीकेशन बनाते हैं, आईफोन रख लें आप, आईफोन एंड आईपैड ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप्स। ठीक है,
रिएक्ट एंड्रॉयड ऐप होगी, ठीक है, उसके बाद मोबाइल ऐप, स्मार्टफोन, स्विफ्ट, आईफोन एंड आईपैड, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, बस इतनी काफ़ी हैं। ये आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है, चाहे आपने जिस चीज़ का भी काम करना है आपने ये मोबाइल एप्लीकेशन वाली रख के कर देनी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आप किस तरह दे रहे हैं, तो आइडिया के लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप गूगल पे जाएं, नेट किसी वजह से स्लो आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना है मोबाइल ऐप डिवेलपर फाइवर। जब आप फाइवर लिखेंगे तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों के अकाउंट्स में आपको ले जाएगा जो फाइवर के मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं। तो वहाँ से आपने उनका जो एक होगा डिस्क्रिप्शन होगी वो देख लेनी है। यहाँ पे देखें, मैं आपको कहता हूँ ये इसकी ले लें, ठीक है। आप ये लें, आप डिस्क्रिप्शन उठाएं, यहाँ पे लेके इसको एडिट करें, एंड्रॉयड डेवलपर कोडिंग इज़ माई प्रोफेशन, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, आप इस तरह लिख सकते हैं, हाय दिस इज अब्बास, एंड्रॉयड डेवलपर कोडिंग इज माई प्रोफेशन, फलां फलां, इसको आपने एडिट करना है। एडिट करके इसको आपने ओके कर देना, जो आपकी मतलब कि आपने बनाना है मोबाइल के लिए, ठीक है। इस पर आप करके सर्चिंग फॉर सर्विसेज, सर्विसेज आप कौन सी देंगे, मोबाइल की तरफ ही हमने हर लिहाज से जाना है। ये वाली हो गई और ये हो गई, इसके अलावा आपने ये अपने एडमिन कस्टमर सपोर्ट वाली, कस्टमर सर्विस ये वाली आपने इस पे जाना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर सर्विस भी एक न्यू टेक्निक है, इसलिए वो कहते हैं दूसरी आप जाएंगे ना कोई भी ऐड करेंगे डाटा एंट्री ये वो आपका अकाउंट नहीं अप्रूव करेंगे। उसकी वजह यह है वहाँ पर रश है, हज़ारों अकाउंट्स वहाँ पर बने हुए हैं आज से पहले, दो तीन साल पहले, वो अप्रूव नहीं करते। न्यू टेक्नोलॉजीज में आपने अप्रूव करवाना है, ब्लॉकचेन है, NFT, क्रिप्टो करेंसी है, डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें आपका अकाउंट फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आप फिर जिसको चाहे एडिट कर लें। न्यू स्टार्ट में आपने रेट रखना है अपना $8, ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम डॉलर आपने रेट लेके चलना है। यहाँ पे वो कह रहा है अपलोड योर फोटो, मैं यहाँ पे एक अपलोड जो है वो फ़ोटो करता हूँ। अच्छा जी, ये मैं इसको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक जनरल पिक्चर मैं रखता हूँ, वो मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड पिक्चर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी करनी है, उसकी रीज़न ये है, बाद क्या 100% कंफर्म है आपको बाद में आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करनी है। पिक्चर आपने और रखनी है जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें फेस नज़र आए, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपने कर देना है सेव, सेव करने के बाद पिक्चर वेरिफिकेशन हो रही है, क्योंकि वो हमेशा देखता है जो पिक्चर है जो कंप्यूटराइज तो नहीं है, कोई मतलब कि ऑटो जनरेटेड तो नहीं है, पाकिस्तान है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, PME नॉर्मल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी हाउस नंबर 12, स्ट्रीट नंबर 12 लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लाहौर। लेकिन आपने अपना आईडी कार्ड वाला एड्रेस लिखना है, उसकी वजह यह है कि आपकी आईडी कार्ड से वेरीफिकेशन होनी है। मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ, बल्कि मैं साहिवाल से हूँ, मैं यहाँ पे साहिवाल लिख देता हूँ, ठीक है, शादाब टाउन साहिवाल लिख देता हूँ मैं जी, यहाँ पे भी मैं साहिवाल लिख देता हूँ, पंजाब के पे, ठीक है। ये हम जी हमारा पोस्टल कोड है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं एक रैंडम दे देता हूँ, ऐसे ही कोई दे देता हूँ उठा के, आपने अपना देना है, ये तो मैंने ऐसे ही दिया है ना, इसमें कौन सा वेरिफिकेशन होनी है। जी मैंने एक जनरल मोबाइल नंबर दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपका सारा डाटा जो है वो अपलोड हो रहा है।
अच्छा जी, मेक एनी एडिट यू वांट द सबमिट योर प्रोफाइल यू मेक मोर चेंजेस आफ्टर इट्स लाइव। अच्छा जी, ये मैंने एक जनरल अकाउंट बना दी है, ठीक है, मैं प्रोफाइल को जो है वो सबमिट कर देता हूँ। नाइस वर्क। लो जी, कह रहा है 1000 चूज फ्रॉम है, विद 1000 टू चूज फ्रॉम, इट्स टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग। लो, आपका अकाउंट कामयाबी से बन गया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसमें आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और अगले मैं अपनी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अपने अपने अकाउंट को 100% किस तरह पूरा करना है। ये भी 20% हुआ होगा, आपको 100% पूरा करेंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद आप जॉब अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि आप अपने अकाउंट की टेक्निक्स क्या हैं जिसको आपने अप्लाई करके अपना अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तब तक मैं ये जो मैं वीडियो बनाई है ये मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह एक आध दिन तक, ठीक है। आपने इसको अच्छे से देखना है और मुझे कमेंट में बताना है अगर आपको कोई भी इसमें कोई मसला मसाइल हो, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अली अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।